हाय फ्रेंड, दिस इज़ कलोल। आज हम देखेंगे आपका कंप्यूटर का साउंड कैसे डिजेबल करेंगे बाय यूजिंग रजिस्ट्री, मतलब रजिस्ट्री से कैसे साउंड को डिजेबल करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा रन रन में जाके। ये देखिए, हमारा यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है रेग एडिट। देखिए, हम टाइप किए रेग एडिट। ये देखिए, रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो गया, रजिस्ट्री एडिटर का प्रॉम्प्ट। इसके बाद हमें जाना है एच की अंडरस्कोर लोकल मशीन। फिर लोकल मशीन से हमें आना है सिस्टम्स, सिस्टम्स के बाद आना है करंट कंट्रोल सेट, उसके बाद सर्विसेज, सर्विसेज के बाद देखिए ऑडियो एसआरपी बोल के एक ये है। देखिए ऑडियो एसआरपी पे हम क्लिक किए, इसके बाद राइट फॉर्म पे आ गया। देखिए स्टार्ट बोल के एक फाइल आया, डीओट फाइल, इसको डीओट फाइल बोलते हैं। स्टार्ट पे हम क्लिक किए, इसके बाद देखिए इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखिए 2। ये है स्टार्ट का, स्टार्ट डी ऑट बोल के जो फाइल है रजिस्ट्री ऑडियो सर्व के अंदर, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू 2। ये याद रखिएगा, मतलब इसको हमें चेंज करना है। देखिए, अगर इसका डिजेबल वैल्यू है 1, अगर आप डिजेबल करने के बाद रिवर्स करेंगे, मतलब इनेबल करेंगे, तो आपको 2, मतलब 2 से इनेबल होगा। तो हम डिजेबल कर रहे हैं, इसलिए 1 1 दे के हम इसको ओके कर रहे हैं। चलिए 1 हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको एक बार रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपका जो साउंड, मतलब कंप्यूटर का किसी भी साउंड डिजेबल हो जाएगा। मतलब आप किसी का सॉन्ग या वीडियो देख रहे हो, उसका साउंड टोटली म्यूट रहेगा। तो फ्रेंड, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।